अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत और आप लोग देख रहे हैं वजाहत अहमद गिराज। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी पावल्स ऑटो शो की, बहुत अच्छा गया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, फैन से मिलके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा शो था, काफ़ी आवाम आई थी। सिर्फ मैनेजमेंट के खिलाफ हमारा थोड़ा सा था कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है पावल्स की, मतलब करके भी उनसे नहीं हो पाया ठीक तरह से। खैर, अभी नेक्स्ट शो आ रहा है एच ए सी वालों का, वो है वाहकेंड में, कोहिस्तान इनक्लेव में है, सुबह 9 से या सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। टाइमिंग थोड़ी कम है लेकिन सुबह सुबह का टाइम ठीक रहता है, जैसे यहाँ पे रात हो गई थी वैसे रात को कुछ नज़र भी नहीं आता, ठीक है 4 बजे तक ना सही रहेगा। तो उसकी करनी है हमने थोड़ी सी तैयारी, वैसे तो ऑलमोस्ट तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ आप लोगों को पता है कि टी रेक्स पे स्टिकरिंग वाला काम रहता था, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी डिज़ाइन करूँ टी रेक्स के लिए। अगर वो हमारे लिए पॉसिबल उस तरह से ना हुआ तो फिर मेरे पास एक और हल भी है, जो हमने लास्ट टाइम किया कुछ मैंने पेपर वहाँ पे लगाया उस तरह का, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ब्लैक इसके साथ जो है ना काफ़ी सूट कर रहा है, इस जो है ना रेड वाइन कलर के साथ काफ़ी मैचिंग हो रही थी ना, खासकर मैं वहाँ नोट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये जो इवन हमने एक स्टिकर ही लगाया। तो इस तरह की हम ना इसकी साइडों पर बॉडी पे जो है इस तरह से लगाएंगे। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया, उनके पास ना वीगो की ये वाली लाइटें पड़ी थी इस कंसोल की और आई थिंक गियर बॉक्स की, तो वो तीन लाइटें उन्होंने मुझे भिजवाई हैं। वलीद अनवार उनका नाम है, बहुत शुक्रिया वलीद अनवार भाई आपका। और इस तरह का ये छोटा सा एक गिफ्ट है लेकिन बहुत कीमती गिफ्ट है मेरे लिए। उन्होंने वो इस्लामाबाद में ही है तो उन्होंने मुझे यहीं पर डिलीवर करवा दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर इंशाल्लाह वो भी मैं आज ही इंस्टॉल करूंगा इसके अंदर, इसको खुद ही खोल के सारा कुछ लगाऊंगा। और क्या काम है, हाँ आज ना ये साइड मिरर्स भी हमने ना ब्लैक पेंट करने हैं, उस दिन भी रह गए थे आज करके रहने हैं। हमारा जो है डीजल भी आधी टंकी से कम रह गया और इसको फिलअप करवाएंगे इंशाल्लाह, और 280 पे 280 का हो गया, खैर करवाना तो पड़ना ही है। तो सुबह से मैं ऑफिस आ गया था और काफ़ी देर लगी, थोड़ा सोचते टी रेक्स पे ही मैं काम करता। मैं अभी आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ जो चीज़ मैंने टी रेक्स पे सोची है स्टिकरिंग के हवाले से, आप लोगों ने सजेस्ट करना है, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे शायद सजेस्ट उस तरह से ना करो, उस वक्त तक तो मैंने काम करवा लेने हैं। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूँ तो तीन कलर्स की च्वाइस है, बाकी इतनी कुछ च्वाइस नहीं है, रेड वाइट या गोल्डन कलर में स्ट्राइप्स जो हैं उनके कलर्स का डिफरेंस है। तो जनाब पहली जो पिक्चर है वो ये है, ठीक है, इस तरह से कुछ मैं लेआउट बनवाऊंगा, ठीक है, ये यहाँ पे डिज़ाइन ऐसे होगा, यहाँ पे क्लॉज का डिज़ाइन होगा और ये इस तरह से डिज़ाइन। अभी पहली पिक्चर ये है, मुझे रेड में भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया सो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। रेड कलर, ठीक है, एक हो सकता है हमारे पास गोल्डन कलर ऐसे, ठीक है, गोल्ड कलर में भी काफ़ी सूट कर रहा है साथ में ही, या वाइट कलर के प्योर वाइट इस तरह से, ठीक है। मैं फुल रैपिंग अगेन कह रहा हूँ नहीं करवा रहा, मुझे स्टिकरिंग इस पर ज़्यादा सूट करती है, कलर मैं चेंज नहीं करवा रहा, ये कलर मुझे प्यारा लगता है। तो ये तीन कलर्स हैं, इनमें से चॉइस करनी है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ स्टोरी, ठीक है, तो देखते हैं कौन सी ज़्यादा वोट आते हैं, फिर मैं वो वाला करूँगा इंशाल्लाह। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन शॉप्स बंद होती हैं, स्पेशली गाड़ियों की डेकोरेशन, तो वरना आज जो है ना मैंने टी रेक्स पे रैपिंग का काम जो स्टिकरिंग वाला है वो करवा लेंगे। तो उसका हाल ये है कि कल सैटरडे और सैटरडे वाले दिन सबहात के साथ मैं जाऊंगा सदर और वहां से हमने रैपिंग शीट लेनी है, अगर कटआउट्स करवाने हुए तो करवा लूंगा और ला के मैं खुद ही यहां पे इंस्टॉल करूंगा इसके ऊपर। सेकंड जो चीज़ है, जो शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाए थे वेरिएशंस स्टिकरिंग की, उनमें से कौन सी सिलेक्ट हुई है, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वोटिंग हुई है, बहुत सारी वोटिंग के बाद ये मैं रिजल्ट बताने लगा। अभी मैं यहाँ पे रिजल्ट शेयर कर देता हूँ इंस्टाग्राम वाला, तो रेड को ज्यादा प्रेफरेंस मिली है, इससे मिलता जुलता ही काम करेंगे मैं तो, एग्जैक्टली इस तरह का तो नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा ओवरडू ना करूं, चीज ओवर नहीं लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, वो जो भी सूट करेगा ना वो ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए वो काम तो हम जो है कल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एक और काम है, ये टिश्यू के अंदर कुछ मौजूद है और ये कुछ स्पेशल है जो मैं शुरू में आप लोगों को वीडियो में बताया, इसमें लाइट्स मौजूद हैं, ये लाइट्स हैं, ठीक है, और दो लाइट्स यहाँ पे मेरे ख्याल लगेंगी और एक ये गियर वाली लाइट है, तो ये लाइट्स हमारी यहाँ पे लग जाएंगी। तो अभी मैं इस पैनल को खोलता हूँ, ये लाइट्स लगाता हूँ बिफोर, अभी मैं अभी चेक करता हूँ क्योंकि कुछ लाइट्स ऑन होती हैं कुछ नहीं होती, और ये वाली भी लाइट मैं चेक करता हूँ, पहले तो हमें चेक करना है ना कि कैसी लगती है। अभी गाड़ी की मैंने एसेसरीज ऑन कर ली है, लाइट ऑन नहीं की, अभी लाइट ऑन करता हूँ ना आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये गियर की तो ये नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी सारी कलरिंग है, तो ये भी थोड़ी ब्राइट हो जाएगी, और ये वाली ना ये कभी ऑन होती है कभी नहीं होती, ठीक है, तो ये भी हम इसको चेंज करते हैं, लेट्स सी कि ये लगाने के बाद कैसी लुक देती है, फिलहाल तो ये है।
अच्छा एक चीज जो शायद आप लोगों को ना पता हो, इस एंड्रॉयड पैनल के पीछे भी एक स्क्रीन है, यहाँ पे टाइमर भी आता है और ये सीट बेल्ट्स की वार्निंग भी आती है, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पुरानी गाड़ी में ये चीज़ होना अच्छी बात है, आजकल की नई गाड़ियों में भी ये नहीं है मौजूद। ठीक है, तो सिर्फ ड्राइवर साइड के होते हैं, इसमें पैसेंजर साइड का भी होता है, ड्राइवर साइड का उधर आ रहा है। चलें जी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, पहले ना इस गियर बॉक्स का हल करते हैं। चलें जी इसको खोलना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके जो गियर नॉब्स हैं वो खोल लेते हैं। गई जी ने गियर नॉब, और एक गई जी 4x4 की गियर नॉब। चलो जी निकालो जी। इसको हम रखते हैं कैमरे को, अब जोर इधर लगाना है हमने थोड़ा सा। यार एक तो ट्राईपॉड जो है ना हमारा बिल्कुल ही, यार जी एक हमारा ट्राईपॉड ना बिल्कुल ही विंगा हो जाता, की करिए। ये लो जी, हेलो जी, ओए जबरदस्त यार, बहुत ही आसान था। हेलो, ओए होए 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 होए, गंध गंध से भरा हुआ। इस गाड़ी का हर पार्ट मैंने खोला है, हर पार्ट इसका साफ हुआ है। आपको 10% जगह रह गई होंगी इसकी गाड़ी की खुलने वाली, जो साफ नहीं हुई, मेरे हाथे नहीं चढ़ी। चेक करो कोई खजाना तो नहीं पड़ा। नहीं जी, आउट ऑफ लक। चल भाई, ये रही जो लाइट हमने चेंज करनी है, ये इसकी परवाह ना करें, ये मैं यूं चुटकी में साफ कर लूंगा। ये मैं निकालता हूँ, ये हमारी जो नई लाइट है और ये हमारी पुरानी लाइट है, अब हमें चेंज करना है, फर्क तो होगा जी। ओके जनाब, लाइट हमारी चल गई है, ये लें जी, काफी ब्राइट लाइट है। उसके लिए ये कंसोल खोलना पड़ा है, ये लाइट क्योंकि इस जगह पे ना मेरा हाथ जा नहीं रहा था, ना ये लग रही थी, तो इसको खोलना पड़ा है। अब हमने लाइट का टेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं अपनी कैमरे की लाइट ऑफ कर देता हूँ। हाँ जी, वाह जबरदस्त, ये चेक, ये अच्छी खासी ब्राइट है, पहले से ज्यादा बहुत ब्राइट है, पहले जो है ना बहुत डल थे, ठीक है, अब ये ना ब्राइट लाइट है। अब रह गए ये जो बिल्कुल बंद है, ये वाले कंसोल मैंने खोल लिया, तारे वगैरह सारी डिस्कनेक्ट कर ली है, लाइटें मुझे नजर आ गई है, और ये वाली लाइटें हमने लगानी है, ये देख रहे हैं, और यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो ये दो हैं, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता ये फ्यूज हैं या इनकी कोई तार हिली हुई थी जिस वजह से ना ये डिस्कनेक्ट होती रहती है, अल्लाह जाने। अब हम लगाते हैं तो उम्मीद है कोई ऑन हो जाए। ये वाली लाइट जो है पहले की लगी हुई थी, और ये अभी हमने लगानी है, ये वाइट है और ये येलो थी। अब इसकी ब्राइटनेस का भी शायद फर्क हो, चेक करना पड़ेगा, फिक्स हो गई है। मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, फुल इंस्टॉल करके ना तो आपको चेक करवाता हूँ, मैंने खुद चेक कर लिया, बड़ी यस लग रही है। ओके जनाब, इंस्टॉल हो गया, ठीक है, सब कुछ A1 तरह से। लाइट चेक करा, ये लाइट ऑफ, ठीक है, ये ब्लू लाइट है, और ये आ हा, ठीक है, ये हो गया काम हमारा। ये भी चेक करें और ये भी चेक करें, ठीक है, ये तो हमारी चाल ही नहीं रही थी ना, वैसे ही वाइट थी, और ये ब्लू होगी। ये वाली नॉब भी मैंने ठीक कर ली है, ठीक है, पहले ना हमारी ये यहाँ पे ही फुल हो जाती थी, मैं ना इसको फुल कूलिंग पे रखता था, आप भाई कहते थे कि यार ये फुल कूलिंग पे करें, ये यहीं पे एंड हो जाता था इसका, तो अभी ये मैंने पीछे से सेट की, अब ये पूरे एंड तक यहाँ जाती है, उस वक्त भी एंड तक थी, लेकिन इस नॉब का मुंह इधर हुआ था बस, तो बाकी हर चीज फिटिंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पैनल भी चल रहा है। लाइट्स थी ना वो लगाना कोई इतनी आसान नहीं थी, मतलब थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आती है, थोड़ा सा मुश्किल इस तरह से था क्योंकि काफी सारी वायर्स होती हैं और ये जो इनके ऊपर पिन बनी होती है ना, इसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब ये थोड़ी टेक्निकल चीज थी, तो वो एटलीस्ट हो जाए, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन यस हो गया। आज सैटरडे है और आज मैं रैपिंग शीट लेने जा रहा हूँ, पहले मेरा प्रोग्राम सदर का था, सबाहत के साथ था, तो सबाहत का प्रोग्राम जरा चेंज हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि सदर जाने के बजाय चाह सुल्तान चलते हैं, और तनवीर भाई से पहले मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा वहाँ पे भी मौजूद हैं, पता नहीं उनकी शॉप पे तो नहीं होगी, मोस्ट प्रॉबली किसी और शॉप पे होगी, तो वहाँ जा के देख लेंगे, थोड़ी जो है अच्छी चीज़ अल्लाह करे मिल जाए। मैंने बाइकियाँ मंगाया है, टी रेक्स पे नहीं जा रहा, थोड़ी फ्यूल की बचत करते हैं, और जो फ्यूल से बचत होगी वो हम लगाएंगे रैपिंग शीट पर इंशाल्लाह। बस बाइकियाँ का वेट कर रहा हूँ और चलते हैं। बाइक ने जनाब सत्यानाश कर दी है,
हर एक उसका पुर्जा हिला हुआ था, शॉक्स उसके काम नहीं करते, हर खड्डे में ना काम हो रहा था। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मीर ऑटोज पे, ये रहे जी तनवीर ऑटोज। हम दूसरी तरफ से आए, उधर रश इतना था तो इस तरफ से आते ना इधर थोड़ा कम होता। शुक्र है गाड़ी नहीं लाया मैं यार, बहुत उस तरफ पीछे वाली साइड भी बहुत रश था। अस्सलामुअलैकुम तनवीर भाई, कैसे हैं? आखिर तनवीर भाई के पास हाजिरी हमने लगा ली है, ठीक है। और सुनाए आप कैसे हैं? ठीक है। तो अभी तनवीर भाई के पास वैसे वो क्या प्लॉटर होता है वो? जी प्लॉटर, तो उस पर करते हैं। वैसे शीट कह रहे हैं कि इनके पास पड़ी है, हर कलर की मिल जाएगी। ये तनवीर भाई ये जो शीट है ना जी, ये नॉर्मल शीट है ना जी, एक रैपिंग शीट होती है ये ना, ये उतरते हुए मुश्किल होती है, इसको खेड़ना पड़ता है पेपर की तरह होती है। इसी से हम रैप भी करते हैं और जो भी लोगो वगैरह बनाना हो उसी से ही बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये प्लॉटर पड़ा है, मैं वैसे यूएसबी में प्रिंट ले आया था जो मैंने खुद डिज़ाइन थोड़ा सा बनाया था। तो शीट अभी हमने देखनी है, हर अच्छी वाली शीट देखते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चाय पी रहा हूँ इस वक्त और ये कटआउट्स तो हमने बना लिए हैं, अभी फिर उसके बाद रैपिंग शीट हमने थोड़ी सेलेक्ट करने जानी है, वो सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ये कटआउट्स निकलवा। शीट लेने जा रहे हैं हम बाइक पे। आई एम आउट ऑफ लक जनाब, अभी शीट उस तरह से नहीं मिली जो अभी ये वाली शीट है ना, इसी पे ही प्रिंट करवाते हैं। रेड देखते हैं ये कैसा लगता है, मैच करना पड़ेगा, लगा के पता लगेगा। लेफ्ट साइड वाला निकालने लगे हैं अभी हम रेड में। ये सारे हमने कटआउट्स यहाँ पे मैंने सारे लेआउट लगा दिए, अब ये वाले रहते हैं, ये कट करने हैं, ये वाला हमने कर लिया था, अल्लाह करे अच्छी तरह आ जाए हमारा। जी बड़ा कटआउट आ गया और उम्मीद है कि पूरा पूरा आएगा। ये थोड़ा सा मुझे वैसे छोटा लग रहा है, कटिंग में हमने थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है, ट्रांसफार्मर लुक आ रही है। बाकी ये जब लगाऊंगा तो पता लगेगा उस वक्त। और अभी जो रहते हैं ना वो वाइट वाले कटआउट्स रहते हैं, अपना वजाहत अहमद गराज का नेम और एक पंजा क्लॉ। सारा कटिंग वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया और ये पैकिंग चल रही है। ये शीट मैंने पूरी वाली उठा ली है, वहाँ जाके कटआउट्स करते हैं, अब जाके लगाऊंगा इंशाल्लाह। और मोहसिन ने सारा काम उस पर किया प्लॉटर पे सारा। अच्छा, आपने अगर करवाना हो तो यूएसबी में डिज़ाइन ले आइएगा और कोरल ड्रा में, इनके पास भी कुछ डिज़ाइन हैं लेकिन इंटरनेट की कमी है। तो यूएसबी पे मैं लाया था, कोरल ड्रा में मेरे पास मौजूद नहीं था, मेरे पास पीएनजी में था तो मैंने खुद डिज़ाइन किया। तो ठीक है, इनके पास शीट्स वगैरह भी कुछ ना कुछ मौजूद हैं, तो स्टिकरिंग का काम ये भी करते हैं। तो एक और चीज़, इनके पास HKS का सेम जो मेरे वाला ना एग्जॉस्ट वो वाला पड़ा हुआ है, किसी भाई को चाहिए हो तो ज़रूर तनवीर भाई से रब्ता करें। क्यों तनवीर भाई, वीगो का कोई नया सामान मैट शर्ट पड़े जी, काफी आइटम आई है नहीं। अच्छा, थैंक यू इसका। और बस इंशाल्लाह ये लगाते हैं, फिर आपसे रब्ता करते हैं कि क्या सीन बना है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका हूं और बाइक पे आया हूं, शुक्र है बाइक पे आया हूं, वरना 6 बजे पहुंच गया, वरना जो है रात 10-11 बज जाने थे। क्यों? क्योंकि पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा था और रोड्स फुल ब्लॉक थी, ना आने दे रहे थे ना जाने दे रहे थे। तो बाइक वाला जो था वो स्पॉटर भैया था, तो उसने गलियों गलियों निकाला है और टाइम पे पहुंचा दिया है, लेकिन दुआ करता हुए वो पहुंचाऊँ कि अल्लाह ये मुझे घर पहुंचा दे क्योंकि वो जितना स्पॉटर ड्राइवर था ना ख़तरनाक खिलाड़ी था। खैर उसने पहुंचा दिया तो हमने उसको एक्स्ट्रा टिप भी दे दी, क्योंकि अब हम घर पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी मैं रेस्ट करूंगा, थका हुआ हूं, उसके बाद हम लगाना शुरू करते हैं रैपिंग शीट। ये सारी हमारे पास केमिस्ट्री मौजूद है जो हमने अभी लगानी है, T-Rex का बैज, मेरा नाम, चैनल का नाम, ये साइड की स्ट्रिप ये बाद में आपको समझ आएगी, और ये वाली ना ये साइड वाली बिल्कुल डोर्स के नीचे वाला ही लगानी है, ये लंबा काम है ठीक है। और ये स्टिकरिंग करते हैं, पहले तो हमने साफ़ करनी है गाड़ी। जनाब काम स्टार्ट करते हैं हम, कपड़ा मैंने इस पर मार लिया ठीक है, इसको साफ़ कर लिया, शीट मैं ले आया हूँ। पहले हमने इसके ऊपर यहाँ पर ब्लैक शीट लगानी जैसे मैंने दूसरी साइड पर लगाई थी इस तरफ, उसकी वजह यह है कि नीचे जो है यहाँ से पेंट थोड़ा सा ख़राब है, आपको पता है हमने शीट जब उतारी थी तो इसको पहले छुपाना है हमने ये, ताकि ये इससे छुप जाएगा ब्लैक शीट से, उसके ऊपर फिर हम जो है वो रेड स्ट्राइप्स जो है ना वो लगाएंगे इंशाल्लाह ठीक है। तो पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ।
जनाब एक साइड की फाइनल लुक दिखा देता हूँ, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रही है। इंशाल्लाह जब इसका शूट आउट करेंगे तब तो इसकी लुक देखने वाली होगी। अभी मैं आप लोगों को एक प्रीव्यू दे दूँ एक साइड का, फिर दूसरी साइड का। तो जनाब ये हमारी एक साइड की जो बेड है ये हो गया है, ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड हमारी मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे टीरेक्स का एक बैज भी आ गया और बहुत ही मज़ा कर रही है लिटरली, ये ना सूट कर रही है। तो इंशाल्लाह ये साफ साफ होगा तो तब तो और मज़ा करेंगे। खैर मैं लाइट ऑफ करता हूँ। तो ये ऐसा शौक भी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल फ्लैश लाइट पड़ी ही तब इसका जो है ना रंग और तरह से और था, और अब जब लाइट ऑफ है तब देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली बैठा है। कुछ जगहों के अलावा वो भी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जो ना अच्छा ही बैठा है। अगर मैं अपने आप को स्कोर दूं तो 10 out of 8 दे दूंगा 2 scores काटूंगा अपने। खैर एक्सपीरियंस से सब कुछ आ जाता है। अब जो है दूसरी साइड रहती है, वैसे ये वाली जो साइड है ना इसके लिए भी मैं वैसे तो लाया था स्टिकर, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ पे लगाने की। प्लस यहाँ पे ना ये रंग तो है ही है, जो नीचे एल्फी के निशान है ना उसकी वजह से ना जो शीट है ना वो प्रॉपरली ऐसे स्मूथनेस उसमें नहीं आएगी, तो देखूंगा सही। फिलहाल जो है ना वो मेरे बस से बाहर है, चेक कर लेता हूँ फिर भी। अच्छा जनाब ये पीछे से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये स्टिकर लगाया है लेकिन मिस्टेक ये हुई है कि मैंने यहाँ पे गराज लिखना था और यहाँ पे मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। खैर और ये थोड़ा सा ना मुझे पर्सनली थोड़ा सा ओवर लग रहा है, मतलब ऐसा वाइट थोड़ा सा ना निकल के आ रहा है, तो क्या कहते हैं आप लोग ठीक लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैं उतार रहा हूँ इसको। टी रेक्स को जनाब मैंने खब्बी साइड लगा दी है, सज्जी साइड में हम काम करेंगे और इसका इंटीरियर कैसा ख़ानदानी चेक कराते हैं। तको जी ख़ानदानी, कैसा ख़ानदानी बड़ी लुक आ रही है यार ये, खासकर लाइट्स की वजह से ना, पहले तो ये ऑन ही नहीं थी ना, और ये भी ये काफ़ी ब्राइट है, सारी जो ना अमेजिंग लुक आ रही है, वीडियो में कैसी आती है। खैर अभी चलते हैं और खैर इसको बंद करना। ओके वाली साइड जनाब पहले इसको थोड़ा कपड़ा शपड़ा मार के साफ करते हैं जैसे वो साइड किए, और ये साइड से आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ये एक लग गया, ये दूसरा लग गया, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो गया सातवां, आठवां और लास्ट टी रेक्स का बैग। फुल वॉश करवाएंगे या खुद ही वॉश कर लूंगा सुबह उठ के जल्द से जल्द, क्योंकि मैं खुद वॉश करने का शौकीन हूँ अपनी गाड़ी। दोनों साइडें करने में टाइम बहुत लग गया, मैंने 6 बजे शुरू किया था और अब रात के 1 बज गए, सुबह हमने रेडी भी होना है। तो टी रेक्स के आखिरी बैच के साथ हमारा आज का काम ख़त्म हुआ जो हमने रैपिंग करनी थी, लेकिन ऑब्वियसली तकरीबन 30-40% रह गई है जो फ्रंट साइड पे होनी थी, लेकिन जो मेन काम था ना वो हो गया जो मैं ये डिज़ाइन चाह रहा था। अभी आपको बाकी जो शॉट्स हैं वो क्लिप में दिखेंगी। वैसे ये वीडियो आज सैटरडे को अपलोड कर देनी थी लेकिन काम थोड़ा लंबा हो गया और बीच में फ्राइडे वाली छुट्टी आ गई, इस वजह से वो नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। मिलते हैं आपको ऑटो शो में, लास्ट वाली शॉर्ट्स एंजॉय जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।